हेलो एवरीवन, माइसेल्फ उदय सिंह कमेंट्री बैकग्राउंड और आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, यानी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया व द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अंतर के बारे में। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में और फिर हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। तो जो पहला डिफरेंस है वो देखिए आप कि SN1 रिएक्शन एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, एक अणु का अभिक्रिया है, जबकि SN2 रिएक्शन बायमोलिकुलर रिएक्शन है, द्विअणु अभिक्रिया है। अब जो सेकंड डिफरेंस है वो देखिए आप कि SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, जबकि SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। अब जो थर्ड डिफरेंस है वो देखिए आप यहां पर कि SN1 रिएक्शन टू स्टेप में, दो पदों में कंप्लीट होती है, लेकिन जो ये SN2 रिएक्शन है ये वन स्टेप रिएक्शन है, एक पदी अभिक्रिया है, यानी एक पद में संपन्न होती है। इसके बाद जो चौथा डिफरेंस है वो देखिए अब SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है, वो केवल और केवल जो सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है, जो होता कौन है, एल्काइल हैलाइड, केवल उसकी कंसंट्रेशन पर ही, उसकी सांद्रता पर ही निर्भर करती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो केवल डिपेंड किस पे करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर, क्रियाधार की सांद्रता पर। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है उसमें ध्यान रखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की दर है, वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल यानी क्रियाधार और नाभिक रागी दोनों की सांद्रता पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। ये हो गया हमारे यहां पर चौथा डिफरेंस। अब जो पांचवा डिफरेंस है वो देखिए आप कि जो SN1 रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे इसमें एज ए इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो SN2 रिएक्शन है उसमें ध्यान रखेंगे नो इंटरमीडिएट, कोई कार्बोकेटाइन या कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल और केवल जो ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है, उसका निर्माण होता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसके बाद जो हमारा छठा डिफरेंस है वो देखिए अब कि जो कार्बन है उसके साथ कोई भी पार्शियल बॉन्ड, कोई भी आंशिक बंध का निर्माण नहीं होता अभिक्रिया के दौरान, लेकिन जो SN2 रिएक्शन है उसमें ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग रिएक्शन यानी अभिक्रिया के दौरान जो कार्बन होता है वो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप यानी नाभिक रागी और अवशिष्ट समूह दोनों के साथ पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप जानते हैं जो ये दोनों पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो किसमें करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में, संक्रमण अवस्था में। इसके बाद जो हमारा सातवां डिफरेंस है वो देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, नाभिक रागी होगा, उसका अटैक कार्बोकेटायन पर दोनों साइड से होगा। ऐसा क्यों होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कार्बोकेटायन है उसकी जो ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर है, वो कैसी होती है, प्लेनर। तो जो कार्बोकेटायन होंगे उस पर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करेंगी, लेकिन जो ये SN2 रिएक्शन होगी उसमें ध्यान रखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो हमेशा पीछे की ओर से होगा, जिसे हम बोलते हैं बैक साइड अटैक कहते हैं। ये हो गया हमारा सातवां डिफरेंस। इसके बाद देखिए आप यहां पे आठवां डिफरेंस कि जो SN1 रिएक्शन है इसमें ध्यान रखेंगे कि जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कैसा होगा, रेजमाइज प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा, रेशमिक मिश्रण आपको मिलेगा, रेजमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। यानी SN1 रिएक्शन में जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, रेजमाइजेशन का प्रोसेस होगा, रेजमीकरण की प्रक्रिया होगी, लेकिन जो ये SN2 रिएक्शन है
उसमें ध्यान रखेंगे जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, इनवर्टेड प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन में होता क्या है, इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन यानी विन्यास का प्रतिपन और वाल्डन इनवर्जन या हम बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। इसलिए यहां जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, इनवर्टेड प्रोडक्ट होगा। ये हो गया हमारा आठवां डिफरेंस। इसके बाद जो नवा डिफरेंस है वो देखिए आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में, विलायक के बारे में, यानी जो SN1 रिएक्शन है उसमें ध्यान रखेंगे हाईली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे, हाईली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, एल्कोहल, एसिडिक एसिड, ये क्या करेंगे SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे। लेकिन यहां देखोगे आप कि जो आपके लेस पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे या हम कहें अप्रोटिक सॉल्वेंट होंगी वो क्या करेंगे, वो SN2 रिएक्शन को फेवर करेंगे। ये हो गया हमारा नवा डिफरेंस। इसके बाद जो दसवां डिफरेंस है वो देखिए आप यहां पर कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है अगर वीक है या माइल्ड है, दुर्बल है या मंद न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक रागी है, तो वो क्या करेगा, वो भी SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। लेकिन यहां SN2 रिएक्शन में ध्यान रखेंगे कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, प्रबल नाभिक रागी है, वह SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। यह हो गया हमारा यहां पर दसवां डिफरेंस। अब ग्यारहवां डिफरेंस आप देखिए, हम जानते हैं कि ये जो SN1 रिएक्शन है इसमें एज ए इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनते क्या है, कार्बोकेटाइन, और इसमें होता क्या है, इसमें होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो याद रखेंगे इस SN1 रिएक्शन में होता क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट होगा। लेकिन SN2 रिएक्शन में ध्यान रखोगे देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, यानी पुनर्विन्यास की कोई संभावना नहीं होगी। इसके बाद एक बात करेंगे 12वें अंतर के बारे में, 12 डिफरेंस के बारे में, और ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जो ये SN1 रिएक्शन है इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी जो बनने वाला कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल है उसका कोरेस्पॉन्डिंग जो एल्काइल हैलाइड होगा, संगत एल्काइल हैलाइड, उतनी फास्टली SN1 रिएक्शन को शो करेगा। तो याद रखेंगे कि जो SN1 रिएक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है यहां पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो ये SN2 रिएक्शन है उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिविम बाधा, यानी जिस एल्काइल हैलाइड में या जिस सबस्ट्रेट में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, लो होगी, उसकी SN2 के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो याद रखेंगे इसके अंदर SN2 रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस नंबर 13 के बारे में, वो क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ RX। तो आप जानते हैं कि जो कार्बोकेटाइन है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो उसका जो हैलाइड होगा कौन, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री की, थोड़ी कम 2 डिग्री की, सबसे कम 1 डिग्री की, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे कम मिथाइल हैलाइड की। ये होगा रिएक्टिविटी ऑफ RX या हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड किसके रेस्पेक्ट में, SN1 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में 3 डिग्री की सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर बात करते हैं SN2 के रेस्पेक्ट में, अगर बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ जो RX होगी किसमें होगी ज्यादा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी, और सबसे कम जो स्टेरिक हिंड्रेंस है किसमें होगी, मिथाइल हैलाइड में। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी किसकी होगी, मिथाइल हैलाइड की, थोड़ी कम 1 डिग्री, थोड़ी और कम 2 डिग्री, सबसे कम होगी किसकी, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट में, SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर हम बात करेंगे इन दोनों रिएक्शन के एग्जांपल के बारे में।
तो जैसे कि आप जानते हैं SN1 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, 3° एल्काइल हैलाइड की। तो मैंने क्या किया पर ये लिया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो एक 3° एल्काइल हैलाइड है, इसकी कराओगे आप रिएक्शन एक्वस के ओएच के साथ तो इसका तो के इसका Br ये निकालेगा पोटेशियम ब्रोमाइड और यहां मिलेगा आपको टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। अगर बात करते हैं SN2 रिएक्शन के एग्जांपल के बारे में तो मैंने बता रखा है कि SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, मिथाइल हैलाइड की, यानी जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो। तो मैंने यहां ले लिया मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे आप एक्वस के ओएच के साथ, ये रिएक्शन होगी कौन सी, SN2 रिएक्शन और आपको यहां मिलेगा क्या, मेथनॉल आपको मिलेगा और इसका केस का Cl ये निकालेगा क्या, पोटेशियम क्लोराइड को निकाल देगा। तो ये जो हमने बात किया, ये हमने बात की डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, यानी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया व द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर के बारे में। और ध्यान रखेंगे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही रिएक्शन SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।